पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। 2 दिन में 28 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का 73 रुपए 83 पैसे और डीजल 64 रुपए 69 पैसे पहुँच गया। ये पिछले 4 साल की सबसे ज्यादा कीमत है। कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा। कांग्रेस के राज में जो पेट्रोल के भाव थे, डीजल के भाव थे, उस वक्त में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत ज्यादा थे, $140 पहुंच गए थे प्रति बैरल। अब वो 140 से 140 पे आ गए हैं। तब भी पिछले 4 सालों में इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए, इसका जवाब दे, और बढ़ क्यों रहे हैं, इसका जवाब वो देंगे। इससे पहले 14 सितंबर 2014 को पेट्रोल सबसे महंगा हुआ था। सरकार का कहना है कि ये ग्लोबल मार्केट में तेजी का असर है। इसमें ज़्यादातर समय में घटे हैं, कुछ समय में बढ़े हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट की दृष्टि से। दिल्ली में रविवार से ही BS6 स्टैंडर्ड के फ्यूल की बिक्री शुरू हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली NCR में CNG भी 90 पैसे महंगी हो गई। हालांकि बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 35 रुपए सस्ता हो गया।